जो नियम है कि टीआर वन और टीआर टू में जो आपको रिजल्ट सीट खाली रह गया वो आपको टीआर वन और टीआर टू में ही देना चाहिए, टीआर थ्री में देने का कोई तुक ही नहीं है वो। और अगर ये टीआर थ्री में दे रहे हैं तो ये निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो 30,000 ऐड हो गया ना, ऐड हो गया नहीं, सीट बढ़ गया ऐड हो गया तो खुश है, लेकिन टीआर वन और टीआर टू में दीजिए, उसका सीट है, आप टीआर थ्री में क्यों देंगे? आप जो टीआर वन में लड़का बैठा है वो सप्लीमेंट्री उसको चाहिए, टीआर टू में जो बैठा है वो उसको सप्लीमेंट्री चाहिए, टीआर थ्री में देने का क्या तुक है? इसका मतलब क्या टीआर फाइव में दीजिए, टीआर सिक्स में दीजिए, इसका मतलब कोई जो इंतजार कर रहे थे जिनका एज खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल साथ गलत हो रहा है। कहा जा रहा था कि टीआर वन में ना 25,000 सीट खाली है, टीआर टू में भी हजारों सीट खाली है, तो ऐसा झोल क्यों सर? बार बार बीपीएससी टीआरई जो परीक्षा हो रहा है एड ऑन हुआ है बैकलॉग सीट के नाम पे, सप्लीमेंट्री नहीं बैकलॉग कहा जा रहा है, टीआर वन का, टीआर टू का, टीआर थ्री में एड हो रहा है। तो अब टीआर वन और टू के जो बच्चे आपके पास रो रहे थे, लगातार फोन कॉल कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनका क्या होगा वो सीधे आप स्पष्ट करें सर। देखिए एक बात स्पष्ट रूप से बता दें हम, जो नियम है, जो नियम है कि टीआर वन और टीआर टू में जो आपको रिजल्ट सीट खाली रह गया वो आपको टीआर वन और टीआर टू में ही देना चाहिए, टीआर थ्री में देने का कोई तुक ही नहीं है वो। और अगर ये टीआर थ्री में दे रहे हैं तो ये निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो 30,000 ऐड हो गया ना, ऐड हो गया नहीं, सीट बढ़ गया था, ऐड हो गया तो खुश है, लेकिन टीआर वन और टीआर टू में दीजिए, उसका सीट है, आप टीआर थ्री में क्यों देंगे? आप जो टीआर वन में लड़का बैठा है वो सप्लीमेंट्री उसको चाहिए, टीआर टू में जो बैठा है वो उसको सप्लीमेंट्री चाहिए, टीआर थ्री में देने का क्या तुक है? इसका मतलब क्या टीआर फाइव में दीजिए, टीआर सिक्स में दीजिए, इसका मतलब कोई जो इंतजार कर रहे थे जिनका एज खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल साथ गलत हो रहा है। कहा जा रहा था कि टीआर वन में ना 25,000 सीट खाली है, टीआर टू में भी हजारों सीट खाली है, तो ऐसा झोल क्यों सर? बार बार बीपीएससी टीआर जो परीक्षा हो रहा है उसमें इतना झोल क्यों हो रहा है? ये बीपीएससी की मनमानी है, शिक्षा विभाग की मनमानी है, जो सीट खाली रह गया है टीआर वन में वो टीआर वन के साथ भरा जाए, टीआर टू में जो खाली हो गया टीआर टू के साथ भरा जाए, टीआर थ्री में इसको लादने की कोई आवश्यकता नहीं। लाद रहा है तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ है, 100% का गड़बड़ है, बिल्कुल 100% गलत है। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेके कड़ा स्टेप ले ताकि इस तरह के बच्चों के साथ। जब भी हम अभी पीएससी ऑफिस पहुंचते हैं तो चेयरमैन से नहीं मिलने दिया जाता है, शिक्षा विभाग पहुंचते हैं तो एसीएसएस सरदार से मिलने नहीं दिया जाता है, आप तो नीतीश कुमार से भी मिले, तो अब क्या लग रहा है इसे झोल वोल जो है वो खत्म कब होगा? देखिए अब सहा नहीं जा रहा, माननीय नीतीश कुमार मिल लिए हमको हमसे आसानी से, माननीय राज्यपाल साहब मिल लिए आसानी से, लेकिन ये आपको बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के निदेशक जो हैं अब एस सिद्धार्थ, ये लोग अपने आप को अंग्रेज जमाने के ऑफिसर समझ रहे हैं, तो हिटलर समझ रहे हैं, तभी नहीं ये लोग बात कोई किसी से नहीं मिल रहा है। लोग जैसे माननीय मुख्यमंत्री मिलके कितना बढ़िया से सोल्यूशन कर दिए, आपको राज्यपाल मिलके कितना बढ़िया सोल्यूशन कर दिए, ये लोग को मिलने में क्यों शर्म आ रहा है? बच्चों के साथ मिले, मिल के बोले कि ये समस्या है, इस समस्या का निराकरण होगा, इस समस्या का निराकरण नहीं होगा, हमारे बस में नहीं है, तो बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इन लोग को मिलना चाहिए। आज एक नया खुलासा हो गया सर कि जिस चीज का डर था, ओएमआर शीट चेक कर रही है बेल्ट्रॉन, हम गए हुए थे वहां पे, एग्जाम कंट्रोलर जो विजय कुमार सिन्हा है उनसे हमारी बातचीत हुई, कैमरा पे वो नहीं बोले लेकिन सीधे एक खुलासा कर दिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए भैया हाथ जोड़ दिए, बोले हम नहीं चेक कर रहे हैं बेल्ट्रॉन, ये अफवाह किसी ने उड़ाया था, वो अफवाह ही रहने दीजिए, हम बीपीएससी का काम नहीं उठाए और ओएमआर शीट जो है वो बेल्ट्रॉन नहीं चेक करी, ऐसा एग्जाम कंट्रोलर ने बोला। हाँ ठीक है, अगर एग्जाम कंट्रोलर सही बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अफवाह है, और तो सही बोल रहे होंगे क्योंकि अगर जब हम उनके पास गए तो अगर वो लोग चेक कर रहे होंगे तो या तो वो मिलते नहीं या तो वो भगा देते, वो सीधे मिले, बहुत अच्छे से मिले, वो बोले कि हम नहीं कर रहे हैं चेक बाबू, अब तुम जाइए, अब हम नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। गलत हुआ सर? नहीं नहीं, ये तो सही हुआ, सही। अरे बेल्ट्रॉन बेल्ट्रॉन अगर चेक नहीं कर रहा है तो बहुत सही हुआ, मैं बजरंग बली को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो पहले से दागी था, अगर चेक नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा इससे। अच्छा, ये लोग जो बेल्ट्रॉन का जो हवा उड़ा था ना उसमें बीच बीच में लोग अभ्यर्थी जो है ना बार बार फोन कर रहे थे, बोल रहे थे भैया बेल्ट्रॉन वाला जो चीज हो रहा है ना उसमें पैसा लेके सेटिंग हो रहा है, ओएमआर शीट को भर दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी देखे होंगे जब निकला था ओएमआर शीट तो कुछ गड़बड़ियां थी कि कुछ लोग जो है वो खाली छोड़ दे रहे थे, कोई तो उसको क्या होगा? देखिए एक बात मैं बता दूं, बेल्ट्रॉन चेक नहीं कर रहा है, चलिए अच्छी बात है, खुश है, बहुत खुश है, लेकिन जो भी चेक कर रहा है
वो कौन चेक कर रहा है? ये रहस्य क्यों है, ये राज क्यों है? ये राज रहने दीजिए, लेकिन बढ़िया से हो, बढ़िया जो भी चेक करे बढ़िया से हो, ताकि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अहितकारी घटना ना हो। और लगातार जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चों का अधिकार है, आपको डोमिसाइल नीति बिहार के बच्चों का अधिकार है, और आपको एज रिलैक्सेशन बच्चों का अधिकार है। डोमिसाइल अगर अधिकार है तो डोमिसाइल अधिकार है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है और क्यों नहीं बंद कर देते दरवाजा 10%? 25 दूर नहीं है भाई, 25 दूर नहीं है, मानेंगे सब, मानेंगे सब लोग, मानेंगे सब लोग, मानेंगे क्योंकि बच्चा से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा। तो 25 सामने है तो मतलब कि बिहार के लिए सोचेंगे, आपको ऐसा लगता है? कहीं नहीं सोचेंगे, बिहार रिफॉर्म में हम लोग माने कि डोमिसाइल नीति लागू। इतना तो मैं मान रहा हूँ कि अब तक के मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस बात को मानेंगे और डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अरे दूसरे स्टेट में जब बिहार के बच्चों को लाभ नहीं, तो दूसरे स्टेट के बच्चों को बिहार में लाभ क्यों? ये माननीय मुख्यमंत्री आपको देखेंगे, आप तो गुरु हैं, पूरे भारत के गुरु हैं आप, तो अब आपको बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स देखेंगे वो बोलेंगे कि गुरु रहमान जो है वो विरोध करते हैं बाहर का। कुछ भी हो, अपने घर में चिराग जलाने के बाद ही दूसरा जगह चलेगा। सबसे पहले मैं बिहारी हूँ, अध्ययन भारतीय हूँ, भारत मेरा सब कुछ है। चिराग पासवान भी यही बात बोलते न, चिराग पासवान बोलते थे वो नेता है, लेकिन मैं एक गुरु हूँ, और बिहार के बच्चे कल पे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो TRE4 में हम लोग आशा रखें, स्टूडेंट्स आशा रखें। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है, वो निश्चित रूप से आपको TRE4 आपको बेल्ट्रॉन जाने का जरूरत नहीं, बेल्ट्रॉन में जाता, धक्का दे के भगाते तब भी लोग जाता। मैं जैसे BPSC गया था, आपको CM के पास गया था, राज्यपाल के पास गया था, सबसे पास भी बेल्ट्रॉन में जाता, लेकिन अब जो भी बेल्ट्रॉन की जगह बच्चे रहा है वो बढ़िया से चेक करें, और माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि प्लीज डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, ताकि बिहार के बच्चों के साथ कल्याण हो सके। अच्छा, ये जो मसला है 30,000 वाला जो ऐड वन हुआ है, उससे आप बस यही बता दीजिए एक लाइन में कि आप नाराज हैं कि खुश हैं? फिर से 30,000 ऐड हुआ है TRE4 में, TRE3 में जो 1-2 का मिला के, ये इससे मैं नाराज हूं, इससे नाराज इसलिए हैं कि जो सप्लीमेंट्री आपको TR1 का था, TR2 का था, वह TR1 और TR2 में भरना चाहिए था, TR3 में भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि TR1 और TR2 के बच्चे तो बेरोजगार के बेरोजगार रह गए, इसलिए निश्चित रूप से यह उच्च BPSC चेक करेगी तो बढ़िया से चेक करेगी, आप दावा ठोकते हैं? हाँ, BPSC चेक उम्मीद है, BPSC के चेयरमैन लोग से तो उम्मीद उठिए गया था, लेकिन अगर